नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल गोविंद गोपाल में। फिर से एक बार दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे बेसिक शिक्षा से जुड़ी कुछ अपडेट को लेकर। साथ ही साथ है शिक्षा में से जुड़ी एक अपडेट भी, वो भी हम आपको इस वीडियो में बताएंगे। लेकिन बात करते हैं पहले बेसिक शिक्षा की कुछ खबरों के लेके। सबसे पहले तो हम बात करेंगे आज़ादी के अमृत महोत्सव के अंतर्गत बनाए जा रहे हर घर तिरंगा के कार्यक्रम के बारे में। हर घर तिरंगा कार्यक्रम इस समय 11 से 17 अगस्त के बीच मनाया जाएगा और इस 11 से 17 अगस्त के बीच मनाए जाने के दिशा निर्देश भी सभी को मिलने लगे हैं, जिनमें से सबसे पहले हम बात करें जिला बदायूं के बारे में। तो जिला बदायूं से जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी महोदय ने आदेश जारी कर 320 शिक्षिकाओं को एक रैली में आने के लिए निर्देश दिए हैं। ये जो रैली होगी वो एक तरह से बाइक रैली होगी, जिसमें 160 शिक्षिकाओं को अनिवार्यता के साथ स्कूटी लेके आना है और बाकी की 160 शिक्षिकाएँ स्कूटी के पीछे बैठेंगी झंडे को पकड़कर। झंडा जो है कम से कम 3 फीट डंडे में लगा होना चाहिए और साथ ही साथ शिक्षिकाएँ गुलाबी रंग के कपड़े पहन के आने चाहिए। ये बाइक रैली जिला बदायूं में कलेक्ट्रेट से शुरू होगी और 5 चौराहों से गुजरती हुई वापस कलेक्ट्रेट पर ही समाप्त होगी। इस रैली में शिक्षिकाओं को अनिवार्य रूप से आने के लिए दिशा निर्देश जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी जिला बदायूं से मिल चुके हैं। तो हर घर तिरंगा कार्यक्रम को बनाना हर भारतीय नागरिक का कर्तव्य है और इसको लोग पूरे जोश और उल्लास के साथ मना भी रहे हैं। अब बात करें कि हर घर तिरंगा कार्यक्रम जब सभी के लिए अनिवार्य है मनाना, तो सरकारी कार्यालय हो, स्कूल हो या निजी भवन हो, सब के ऊपर 11 से 17 अगस्त के बीच झंडा फहराया जाना चाहिए। तो इसके लिए बेसिक शिक्षा निदेशक जी हैं डॉक्टर सुवेंद्र विक्रम जी सिंह जी, उन्होंने भी दिशा निर्देश जारी कर दिए हैं कि झंडा सुबह सूर्योदय होने के बाद पूरे सम्मान के साथ झंडा संहिता के नियमों के अनुसार फहराया जाना है और साथ ही साथ सूर्यास्त होने के बाद उसे ससम्मान उतारना भी है। झंडा फहराते समय जो खास बातें ध्यान में रखनी है वो सभी लोग जानते हैं वैसे तो, कि केसरिया रंग ऊपर रखना है और साथ ही साथ इस कार्यक्रम के ख़त्म होने के बाद झंडे को फेंकना नहीं है, उसे फोल्ड करके अपने पास सुरक्षित रखना है ताकि वो आगे भी काम आ सके। हर घर तिरंगा कार्यक्रम के अंतर्गत ही परिषद विद्यालयों में 11 से 17 अगस्त के बीच में जो MDM खाना बनता है उसके अतिरिक्त भोज बनाने की व्यवस्था भी कराई गई है। यह कहा गया है कि इन दिनों में ग्राम प्रधान, शिक्षक, शिक्षिकाएं, स्कूल का जो समस्त स्टाफ है, ग्रामवासी मिल के चाहें तो इस जो अतिरिक्त भोज है, यानी जिसमें हलवा है, लड्डू हैं, बूंदी हैं, खीर है, को बनवा सकते हैं या शिक्षक इसको MDM कन्वर्जन कोर्स से बनवाएंगे। इसको लेके काफ़ी परेशानी है लेकिन उस सब को मनाने में किसी के अंदर कोई भी शिथिलता नहीं देखी गई है। सभी लोग पूरे उल्लास के साथ इस उत्सव को मनाने के लिए तैयार हैं। तो बात करें हम अब शिक्षा मित्र की अपडेट को लेके, तो हम आपको बता दें कि 6 अगस्त को जिला अलीगढ़ में अतरौली के NXC भवन में हमारे माननीय बेसिक शिक्षा मंत्री श्री संदीप सिंह जी से शिक्षा मित्र के 2 संगठन जाकर मिले, यानी 2 जिलाध्यक्ष एक साथ जाकर उनसे मिले और जो मुख्य मांगे थी उनको उनके समक्ष रखा है ज्ञापन में। सबसे ज़्यादा जो चर्चा हुई वो हुई है उत्तराखंड मॉडल को लेके, जिस पर उन्होंने थोड़ी सी सहमति दिखाई है और कहा है कि ये अच्छा है और इसको लेके हम आगे चर्चा करेंगे। तो शिक्षा मित्रों के लिए उत्तराखंड मॉडल कितना सही है या गलत है ये अब जब परिणाम सामने आएगा तब होगा, क्योंकि ज्ञापन देने का कार्यक्रम बहुत पहले से चल रहा है लेकिन माननीय शिक्षा मंत्री जी हैं, इसी ज़िले से हैं, तो जाहिर सी बात है कि अब उनसे वार्ता के बाद शिक्षा मित्र ज़्यादा आसान्वित रहेंगे। तो फिलहाल आज की वीडियो में यही अपडेट थी, यही खबर थी और ऐसी अपडेट हम आपको देते रहते हैं। बस आप हमारे चैनल पर बने रहिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि बेसिक शिक्षा से जुड़ी अपडेट आपको मिल सकें। साथ ही साथ वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में ऐसी ही कुछ नई अपडेट के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।